जय हिंद फ्रेंड्स, आई दीपिका मुकाती वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ GLCIS। हियर वी आर रनिंग अ यूनिक सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2021, इन विच वी आर ऑल्सो कवरिंग फैक्ट्स फॉर 3 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर मेन्स ऑल्सो। सो वी हैव डिस्कस्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, नाउ वी हैव कम टू विल कम टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो there are some questions which we will discuss today. The first तीर्थांकर of the Jains was, आपने सभी ने सुना होगा कि जो जैन धर्म है, जो महावीर स्वामी के ने शुरू किया था जैन धर्म, उससे पहले भी शुरू हो चुका था। तो ये जो जैन धर्म है जो आपने देखा है, इसमें कितने तीर्थांकर थे ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको वैसे सब बहुत सारों को पता होगा, 24 तीर्थांकर थे। हाउ मैनी? 24 तीर्थांकर थे, जिसमें से इसमें पूछा फर्स्ट तीर्थांकर का नाम। क्या पूछा इन्होंने? फर्स्ट तीर्थांकर का नाम इन्होंने पूछा है, फर्स्ट तीर्थांकर का नाम। तो जो फर्स्ट तीर्थांकर है वो है अरिष्टनेमी, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ और ऋषभनाथ। तो आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट हैं वो है कौन से? ऋषभनाथ, उनका नाम है ऋषभ। जो 23rd हैं वो है आपके पार्श्वनाथ, और जो 24th हैं जिनको महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है वो है आपके महावीर। ओके, ये 24th नंबर के हैं। ठीक, इसी के साथ हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। आप देखिए डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आप देखेंगे जो तीर्थांकर है, जैन स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं तीर्थांकर्स, ये कितने नंबर हैं इनके? 24, ये हमने देखा। इसके बाद ऋषभनाथ जो है वो पहले हैं आउट ऑफ 24 जैन तीर्थांकर्स। इज अदर नेम्स आर आदिनाथ, आदिश्वर, यगादिदेव, प्रथमराज एंड नेभया। पार्श्वनाथ जो है वो हमने देख चुके हैं कि 23rd तीर्थांकर थे। इसी के साथ वर्धमान महावीर जो थे वो कौन से नंबर के थे? 24th नंबर के। आपको पता होना चाहिए कि जो महावीर जैन हैं, जो महावीर हैं, महावीर ये कुंडग्राम में पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? इनका बर्थ प्लेस क्या है? कुंडग्राम। ठीक, इसके बाद में पावापुरी में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इनके नाम पे 2 बौद्धिस्ट काउंसिल की गई थी, जिनको बौद्ध काउंसिल भी बोला जाता है। तो वल्लभी की जो सेकंड काउंसिल थी वो बहुत फेमस है, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। इसी के साथ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, जो गांधार सेक्ट है या गांधार स्कूल है, जैसे उस समय पे गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल बहुत फेमस थे। तो इसमें पूछा गया है कि गांधार स्कूल जो था वो किसके टाइम पे एग्जिस्टेंस में आया? हीनयान सेक्ट के टाइम पे आया, हीनयान के टाइम पे आया, महायान सेक्ट के टाइम आया, वैष्णव सेक्ट के टाइम पे आया, शिव सेक्ट के टाइम पे आया। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो बुद्ध थे, उनकी क्या बनाई जाने लगी थी? मूर्तियाँ बनाई जाने लगी थी, आइडल्स बनाए जाने लगे थे, यानी कि मूर्ति पूजा होने लगी थी। तो हम जानते हैं कि जो बुद्ध थे वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। जो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करते हैं वो थे हीनयान सेक्ट। ओके, और जो मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे वो थे महायान सेक्ट। यानी गांधार स्कूल ऑफ जो आर्ट है वो उस समय पे आया होगा जिस समय पे हमने आइडल वर्शिप करना शुरू किया होगा, जो कि महायान सेक्ट ने शुरू किया था। इसलिए बुद्ध में कोई वैष्णविज्म या शिव सेक्ट में हमने इसको यूज़ नहीं किया था, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है महायान सेक्ट में। ठीक है, आप देखिए, महायान सेक्ट बिलीव्स इन आइडल्स, ये हम देख चुके हैं, वर्शिप एंड बुद्धा एंड बोधिसत्व। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग कुषाण एरा। ओके, आपको याद रखना है कनिष्क के टाइम पे बहुत फ्लरिश हुआ था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स। किसके टाइम पे? कनिष्क के टाइम पे बहुत फ्लरिश हुआ था कुषाण एरा। ओके, ये गांधार स्कूल किसके टाइम पे? कुषाण एरा में, कनिष्क के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे बहुत फ्लरिश हुआ। इसके बाद इट वॉज द फर्स्ट टू स्कल्पचरली रिप्रेजेंट द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म्स एज मेन गॉड। ये हम देख चुके हैं कि बुद्धा को भगवान की तरह पूजा जाने लगा और आइडल का एक फॉर्म दिया गया।
इसके साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का अगला अवतार क्या होगा? जैसे आपने सुना होगा कि कृष्ण भगवान जो है वो कलयुग में कल्कि अवतार लेके जन्म लेंगे, ऐसा ही बुद्ध किस अवतार में आए होंगे? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, ऐत्रेय, कल्कि, कल्कित का तो हमने अभी देख लिया कि ये कृष्ण जी का है तो ये तो नहीं होगा, ओके, ये किसका है? कृष्ण जी का है तो ये तो नहीं होगा, ऐत्रेय भी नहीं, नागार्जुन, नागार्जुन कनिष्क के टाइम पे थे, मैत्रेय जो है इनको बुद्ध का सक्सेसर माना जाता है, क्या माना जाता है? सक्सेसर, या इनका इनकारनेशन रूप मैत्रेय को माना जाता है। अगला इसका डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मैत्रेय इज कंसिडर्ड फ्यूचर बुद्ध, बुद्ध के रूप में माना जाता है इनको, ये बोधिसत्व है, अमिताभ, इन अमिताभ सूत्र और लोटस सूत्र, अमिताभ सूत्र जो कि बुद्धिज्म के ही कुछ लिटरेचर्स हैं, ठीक है, बुद्धिज्म रिलेटेड लिटरेचर्स, अमिताभ सूत्र और लोटस सूत्र, उसमें इसको क्या बताया गया, मैत्रेय को अजीत के रूप में बताया गया है, अजीत, ठीक है, जिसे हरा ना सके, अजीत। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेट बुक ऑफ द बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट से रिलेटेड मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड कौन सी बुक को बहुत पवित्र माना गया है? तो इसमें आपके पास है उपनिषद, उपनिषद हमने देखे थे वैदिक पीरियड में, वेदास भी हमने वैदिक पीरियड में देखे थे, ठीक है, तो जो बुक्स हैं जो कि जिसको बहुत सेक्रेट माना गया था, ठीक है, बहुत सेक्रेट जिनको माना गया था, उसमें उपनिषद जो है वो वैदिक पीरियड के हैं तो ये नहीं होंगे, वेदास भी वैदिक पीरियड के, ये भी नहीं होंगे, त्रिपिटकास जो हैं इनको बहुत ज़्यादा सेक्रेट या पवित्र माने गए हैं, ये तीन थे, कौन कौन से, विनय पिटक, कौन कौन से, विनय पिटक, थ्री मार्कर में कभी कभी पूछ लिया जाता है आपको त्रिपिटकास, तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और एक होता है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। ड्यूरिंग फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर डिवाइडेड इनटू थ्री पिटक्स। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किस टाइम पे हुई थी, अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, उस समय पे तीन पिटक्स को लिखा गया था, थ्री पिटकास या ट्राइपिटक्स और त्रिपिटकास, त्रिपिटकास लिखे गए थे, ठीक है, ये लिखे गए थे किस समय पे, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो कि अजातशत्रु के टाइम हुई थी, अजातशत्रु, ओके, विनय पिटक, फर्स्ट ऑफ द, ये जो है बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो नन्स होते हैं उनके लिए डिसिप्लिनरी जो रूल बुक थी कि किस तरीके से नन्स को, किस तरीके से जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनके, उन्हें किस तरीके का बिहेव करना चाहिए, उनके लिए एक रूल बुक थी, ठीक है। सुत्त पिटक जो है कंसिस्ट ऑफ मेन टीचिंग्स और धम्म ऑफ बुद्धा, बुद्ध से रिलेटेड जो धम्म थे उनसे रिलेटेड जो टीचिंग्स थी वो सुत्त पिटक में दी गई थी। अभिधम्म पिटक जो है डिटेल स्कॉलेस्टिक एनालिसिस एंड समरी ऑफ द बुद्धिज्म टीचिंग इन द सुत्तास, सुत्त जो पिटक है उसमें टीचिंग्स की सुर समरी है उसको अभिधम्म पिटक में लिखा गया है, ठीक है। तो विनय पिटक, विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है जो कि मोंग्स को और जो नन्स है उन्हें फॉलो करना होता था। सुत्त पिटक में धम्म से रिलेटेड जो बुद्धा की मेन टीचिंग थी उससे रिलेटेड चीज़ें बताई गई है। इसी के साथ में अभिधम्म पिटक में आपको सुत्त पिटक जो है उससे रिलेटेड जो टीचिंग्स है उसकी एक समरी दिखाई गई है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे देखेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है, अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट, अशोका ने जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ बुलाई थी? आपको पता होगा कि उस समय पे जो एंशियंट टाइम था, हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें चार बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट कराई गई थी, ठीक है। तो जो अशोका थे उन्होंने जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी वो कहाँ पे बुलाई थी? पाटलिपुत्र मगध कलिंग और सारनाथ। सारनाथ में तो बुद्ध ने पहला सरमन दिया था अपना, कलिंग जो कि अशोका ने, इस पे वॉर ऑफ कलिंग के नाम से जाना जाता है जो 261 BC में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मगध उन्होंने जो बुलाई थी वो बुलाई थी पाटलिपुत्र में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र होगा आपका राइट आंसर। पाटलिपुत्र में
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई थी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब बुलाई गई थी, कब बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में। कहाँ पे बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में। और कब बुलाई गई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए 250 BC में। ओके, कब बुलाई गई थी, 250 BC में। इसी के साथ हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरीके से थोड़ा सा बना सकते हैं कि आपको पता चले कौन सी काउंसिल कब बुलाई गई थी। याद रखने का एक थोड़ा सा एक ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं बोलेंगे, याद रखने के लिए आपको ईजी पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो बुलाई गई थी 483 BC में। ऐसे ही ये 383 BC में बुलाई गई थी, ये 250 BC में बुलाई गई थी और ये 72 AD में बुलाई गई थी। ओके, किसके टाइम पीरियड में बुलाई गई थी, तो फर्स्ट जो थी वो अजात शत्रु के टाइम पे बुलाई गई थी, अजात शत्रु। जो दूसरी थी वो किसके टाइम पे बुलाई गई थी, कालाशोक। ठीक, जो थर्ड थी वो बुलाई गई थी अशोका के समय पे, और जो फोर्थ थी वो थी कनिष्क के टाइम पे। किसके टाइम पे, कनिष्क। ऐसे ही आप थोड़ा सा इस तरीके से और इजी बनाने के लिए इसको टेबुलर फॉर्म दे सकते हैं। तो इस टेबुलर फॉर्म में हम क्या करेंगे, अजात शत्रु। अब हम देखेंगे कि इसको कहाँ पे कराया गया था। तो सबसे पहले अजात शत्रु ने राजगृह में कराया था, ठीक है, राजगृह में कराया था। कालाशोक ने वैशाली में करवाया था, ठीक है। इसी के साथ अशोका का हमने अभी देखा पाटलिपुत्र में कराया था, और कनिष्क ने कहाँ कराया था, कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर। ठीक, इसी के साथ हम देखेंगे इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन थे, किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो फर्स्ट में हम अजातशत्रु के टाइम पे कौन थे, महाकश्यप, महाकश्यप। ऐसे कालाशोक के टाइम पे थे सभाकामी, जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया था, इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। इसी के साथ अशोका के टाइम पे मोगलीपुत्र तिस। इसी के साथ हम देखते हैं 72 AD में जो कनिष्क के टाइम पे कुंडलवन में या कश्मीर में जो कंडक्ट कराई थी बौद्ध काउंसिल, उसको प्रिसाइड किया था वशुमित्र ने, वशुमित्र। ओके, और इसके जो डिप्टी चेयरमैन थे या जो इसकी जो सह अध्यक्षता की थी वो की थी अश्वघोष ने। किसने, अश्वघोष ने। ये इन्हीं के कोर्ट में थे, कनिष्क के कोर्ट में। तो आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, तो आपने देखा फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल एंड फोर्थ काउंसिल, 483 BC, 383 BC, 250 BC, 72 AD। इसके बाद आप इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा याद रखने में, रिमेंबर करने में, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेम्ड क्लेन बुद्धा बिलोंग टू, बुद्धा किस क्लेन को बिलोंग करते थे या किस वंश को बिलोंग करते थे, कहाँ से आते थे, ठीक है। तो जो बुद्धा थे, जांत्रिक, मौर्य, शाक्य या कुरु डायनेस्टी से आते थे। तो आपको पता होगा जो बुद्धा है, इनका एक नाम और है, बुद्धा का एक नाम और है, क्या है, बुद्धा का एक और नाम है, वो है शाक्य मुनि। शाक्य मुनि इनका नाम इसलिए क्योंकि ये शाक्य क्लेन से बिलोंग करते हैं। इनका एक और नाम है तथागत। इसी के साथ इनका और क्या नाम हो सकता है, इनका और नाम है गौतम, ठीक है। तो इस तरीके से इनके नाम हैं। और आपको पता होगा कि जो इनकी हमारे कौन थे, बुद्ध थे। बुद्ध की बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी गई थी और इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, और करीब 6 साल तक इधर उधर वॉन्डरिंग के बाद में इन्हें बोध गया में बोधि ट्री के नीचे, जो कि एक पीपल का ट्री था, उसके नीचे इन्हें इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। बुद्धा बोर्न इन लुम्बिनी, लुम्बिनी में पैदा हुए थे। और कहाँ पे, ठीक है, बोर्न कहाँ हुए, सॉरी, हम देखेंगे। ये बोर्न हुए हैं कहाँ पे, मतलब पैदा हुए कहाँ पे, लुम्बिनी, जो कि आज के नेपाल में। इसी के साथ इनकी डेथ कहाँ हो जाती है, डेथ कहाँ होती है इनकी, इनकी डेथ होती है कुशीनगर में या कुशीनारा में।
ठीक है। इसी के साथ में इन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया होता है, यानी पहला उपदेश कहाँ दिया होता है, तो वो होता है सारनाथ में, ठीक है। इस तरीके से इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। 29 की एज में इन्होंने घर छोड़ दिया था और उसके बाद में बोधगया, इनसे जुड़ी हुई बहुत फेमस जगह है बोधगया, जो आज के बिहार में है, ठीक है। और ये पीपल का ट्री था, पीपल ट्री के नीचे इनको क्या मिला, एनलाइटनमेंट, ओके। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ अजंता में, इनमें से दी गई किस चीज़ पे स्टोरीज डिपिक्ट की गई है या दर्शाई गई है। तो आपके सामने ऑप्शन है महाभारत, रामायण, जातक, पंचतंत्र। तो महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है, रामायण में भी ऐसा नहीं है और पंचतंत्र में भी ऐसा नहीं है। बस आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके बारे में डिटेलिंग में पता होनी चाहिए। जैसे महाभारत को एंशियंट टाइम पे जयसिंहता भी बोला जाता था, ठीक। इसी के अलावा रामायण, और इसको लिखने वाले कौन थे, हमारे वेदव्यास। इसी के अलावा जो रामायण थी, रामायण को भी किसने लिखा था, वाल्मीकि ने लिखा था। इसी के साथ जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसने लिखा है, तो विष्णु शर्मा ने लिखा है किसे, पंचतंत्र को। और जो राइट आंसर है, जिसमें अजंता की जो केव्स है, अजंता पेंटिंग्स है, उसमें जिसको जिसकी स्टोरीज डिपिक्ट की गई है, वो है जातक स्टोरीज। जातक के स्टोरीज का मतलब है कि बुद्ध को अलग अलग रूप में बताया गया है, कहीं एनिमल के फॉर्म में बताया गया है, कहीं अलग अलग फॉर्म में बताया गया है, और उन स्टोरीज़ को अजंता की पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया गया है। हम देखते हैं, जातक में भी रिगार्डेड एज द बॉडी ऑफ द लिटरेचर दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस नरेटिव्स ऑफ द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध टेकिंग बर्थ इन द बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स, ठीक है। यही हमने अभी देखा, द नरेटिव्स डिस्क्राइब हिम एज अ बीइंग बोर्न एन एलिफेंट, अ किंग, एन आउटकास्ट एक्सेट्रा, बट द मोटिव बिहाइंड ईच नरेटिव इज टू हाईलाइट द मोरल वैल्यूज दैट द प्रोपेगेटेड दैट ही प्रोपेगेटेड इन ईच ऑफ दिस कैरेक्टर्स, ओके। मोरल वैल्यूज देना चाहते हैं, इस पर्पज से इन्होंने अलग अलग रूप धारण किया हुआ है, ऐसा जातक स्टोरीज में बताया जाता है। तो जातक स्टोरीज किससे रिलेटेड है, बुद्ध से रिलेटेड है, और अजंता की जो पेंटिंग्स है उसमें जातक स्टोरीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसी के अलावा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो बिलीफ्स है वो कौन कौन से, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोस, सेकेंड, पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स, थर्ड है, इफ डिजायर्स आर कॉन्क्वर्ड निर्वाण विल बी अटेंड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकोगनाइज, ओके। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको फोर ट्रूथ्स और फोर नोबेल ट्रूथ्स ऑफ किसके, हमारे बुद्ध के याद आ रहे होंगे, फोर नोबेल ट्रूथ्स, चार आर्य सत्य। तो पहला तो सही है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोस, दुख से भरा हुआ है संसार, यही चीज़ बुद्ध ने बोली थी। पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिज़ायर्स, इच्छा की चाह में, जो चाह होती है उसी की इच्छा में क्या होता है कि दुख उत्पन्न होता है। इफ़ डिज़ायर्स आर कॉन्कर्ड, अगर डिज़ायर को कॉन्कर कर लिया जाता है तो निर्वाण अटेन होता है, ओके। तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है, ओके, फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है, इस तरीके के क्वेश्चन अब प्रीलिम्स जो है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाने लगे। पहले यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में इस तरीके के पूछे जाते थे, अब आप एमपीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोस है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है। अगर तीनों सही है तो देखिए, ए बी सी डी सारे सही हैं, गलत। उसके बाद बी एंड सी, ये भी गलत। अब ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है और ये यहाँ पर मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। आप देखिए, फोर नोबेल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म आर, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोस, डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सोरो, ठीक है। इफ डिजायर इज कॉन्क्वर्ड ऑल सोरोस कैन बी रिमूव्ड, अगर एक बार हमारी इच्छा को काबू में कर लिया जाए तो सारे दुख को हटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। डिजायर कैन बी रिमूव्ड, डिजायर जो है वो एट फोर पाथ जो है, राइट व्यू, राइट कंडक्ट, ओके, इस तरीके से आठ तरीके की चीज़ें बताइए। तो अगर आप उन आठ चीज़ों को फॉलो करते हैं बुद्ध की टीचिंग से, तो आप इन जो फोर नोबेल ट्रूथ्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं और अपनी डिज़ायर को कॉन्कर कर सकते हैं और इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द त्रि रत्न ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म में त्रि रत्न चलते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट व्यू और एंड राइट कंडक्ट। तो जो थ्री रत्न हैं, वो थ्री रत्न कौन कौन से हैं? इसमें थ्री रत्न में आप देखेंगे जो जैन धर्म के थ्री रत्न हैं उनमें आता है राइट फेथ, ये करेक्ट ऑप्शन है, राइट नॉलेज ये भी करेक्ट है, राइट व्यू ये इनकरेक्ट है और राइट कंडक्ट ये सही है। अगर ये सब सही है तो हमको पूछा गया है नॉट, इस नॉट पे थोड़ा सा एम्फेसाइज कीजिएगा कि कौन सा नहीं है, कौन से है नहीं, कौन सा नहीं है। तो हे में फर्स्ट है सी ऑप्शन, बी ऑप्शन भी है, डी ऑप्शन भी है, जो ऑप्शन नहीं है वो है राइट व्यू। ओके सो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं, त्रिरत्न जो है, थ्री जेम्स ऑफ जैनिज्म आर, इसे राइट फेथ को हम लोग सम्यक श्रद्धा बोल सकते हैं, सम्यक दर्शन बोल सकते हैं, राइट नॉलेज को हम राइट या सम्यक ज्ञान बोल सकते हैं और राइट कंडक्ट को सम्यक कर्म बोल सकते हैं या कर्मा बोल सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये त्रिरत्न है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा का कंटेम्प्रेरी इनमें से कौन सा राजा था या कौन सा किंग था। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, जो कि एक ही समय पे एक साथ रहे हो। ठीक है, तो इनमें से महापद्मनंद तो बहुत बाद में आते हैं, तो ये तो उस समय पे नहीं थे, क्योंकि अजातशत्रु के बाद आते हैं महापद्मनंद, और अजातशत्रु जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाते हैं वो बुद्धा के बाद बुलाते हैं, बुद्धा के मृत्यु के बाद बुलाते हैं, तो महापद्मनंद तो नहीं हो सकते। इसके बाद आप देखेंगे अजातशत्रु जो थे वो मृत्यु के बाद बुलाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। उदयन जो है वो भी क्या है, बाद वाले राजा हैं, इसलिए ये भी नहीं बुला सकते। बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के समकालीन या कंटेम्प्रेरी है, बुद्धास कंटेम्प्रेरी। ओके, तो बुद्धास के कंटेम्प्रेरी बिंबिसार है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। आप देखेंगे बिंबिसार द फाउंडर ऑफ हरियंक डायनेस्टी, आपने देखा होगा बिंबिसार हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर थे, और इन्हीं के बाद इनका बेटा इनकी मृत्यु करके या इनकी हत्या करके राज सिंहासन पे आ जाते हैं। कौन थे वो? अजातशत्रु। तो मगध एम्पायर में उस टाइम पे कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक, कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। इसके अलावा बुद्ध जो बोर्न हुए थे वो 563 BC या 563 BC में हुए थे, और बिंबिसार जो थे वो 558 में थे। मतलब अगर ये कुछ साल जिए होंगे तो ये भी कुछ साल जिए होंगे, और ये दोनों लगभग उसी एज के। जैसे आज की डेट में ऐसा होता है कि कोई मेरी जितनी एज होगी सपोज़ कीजिए, और मेरे से अगर कोई 5 साल छोटा होगा तो वो और मैं समकालीन हुए, कंटेम्प्रेरी हुए। इसी तरीके से बिंबिसार और बुद्ध जो हैं वो कंटेम्प्रेरी थे। ओके, तो आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब GLC IAS देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।